सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ क्राफ्टर SMC। तो आप देख रहे होगे कुछ चेंजेस कि मेरे पास अब डायमंड आर्मर आ चुका है, पीछे हमारा डायमंड मिनियन भी आ चुका है। हाँ, वो नहीं दिख रहा होगा झाड़ की वजह से, बट भाई ये सब हेल्प करने के पीछे हमारे दोस्त का काम था, टेक्नो बॉय का। तो गाइस, आज मैं एक्चुअली बताने वाला हूँ कि आप आपके दोस्तों के साथ आपके आइलैंड पे कैसे खेल सकते हो, वो आपकी चेस वगैरह कैसे खोल सकते हैं, और साथ ही साथ कि आप मैजिकल वाटर बकेट कैसे बना सकते हो। जी हाँ, मैजिकल वाटर बकेट। तो वीडियो को लास्ट तक मतलब देखते रहना, अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और हमारे वीडियो शुरू करने से पहले हमारे प्यार से कुछ लवली कमेंटर्स को लवली वाला शॉट आउट, और चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। को पहले तो गाइस आपको मैं दिखा देता हूँ आपने ये बंदे ने क्या क्या मेरे को दिया है। सबसे पहले तो आपने देख लिया होगा डायमंड आर्मर, और ये एक डायमंड की स्वॉर्ड जो लेजेंडरी है, और इसने मेरे को और मतलब तीन डायमंड मिनियन दिए थे। एक मैंने लगा के रखा हुआ है और दो मैंने चेस्ट के अंदर रखे हुए हैं। वो अभी तक यूनिक में काउंट नहीं होंगे बिकॉज मैंने उनको अपने हाथों से नहीं बनाया। मैं जब तक अपने हाथों से नहीं बनाऊंगा वो काउंट नहीं करेगा, तो कोई इशू नहीं है भाई उसका। तो भाई सबसे पहले तो काम ये है कि आप लोगों को बताना है कि मतलब एन्चांटेड वाटर बकेट कैसे बनती है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ उसकी पूरी रेसिपी। तो आज वो कहाँ पे मिलेगी, कैसे बनेगी, वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ आपके दोस्तों के साथ आप आपके खुद के आइलैंड पर कैसे खेल सकते हो वो भी मैं आज बताने वाला हूँ। तो भाई ये दोनों चीज़ सर्च करने में मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, तो प्लीज़ यार एफर्ट्स के लिए प्लीज़ एक लाइक कर देना, नए हो तो फिर सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। और आपकी प्यारी से कुछ कमेंट डाल देना कि आपको वीडियो में मज़ा आया, ठीक है। और आपको कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू क्राफ्टर और या तो मैजिक गेम, आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, आप देख सकते हो मेरी कमेंट्स। मैं सबकी आदि ऊपर लोगों की रिप्लाई देता रहता हूँ जब भी मैं फ्री होता हूँ, ठीक है। तो कमेंट कर देना, ठीक है। तो देखो भाई, अगर आपको बनाना है मैजिकल वाटर बकेट तो आपको सबसे पहले पार्क में जाना पड़ेगा। पार्क में जाने के बाद आपको स्प्रूस जोन में जाना पड़ेगा, स्प्रूस वाला जो अपना होता है वहाँ पर जाना पड़ेगा। वहाँ पे जाने के बाद आपको एक जगह है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, उसका नाम था कुछ अच्छा ही नाम था, वो इंसान का नाम मैं भूल गया, उसका कुछ अच्छा ही नाम है, मैं उसका नाम भूल गया हूँ। तो वो आपको वहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा ये जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, वैसे ही आप करके जाना। फिर आप ऐसे दूर तक जाओगे ना तो वहाँ पे आपको एक घर दिखेगा, वो यार उसका नाम भूल जाता हूँ बंदे का। तो गाइस उसके घर पे जाके मैं आपसे मिलता हूँ, ठीक है। तो गाइस हम फाइनली पहुँच चुके हैं भाई साहब, बहुत ज़्यादा टाइम लगा इसको ढूंढने में, इसके घर को, बट हाँ मिल जाता एक बार तो आसान है फिर, ठीक है। देख लो यार ये नदी के पास है, ठीक है। तो भाई हमें जाना था ये वाले वाइकिंग के पास, सॉरी हाँ वाइकिंग नाम था ये बंदे का, तो इसके पास आना है और इसके ऊपर क्लिक करते रहना है मुंडे, ये बस ऐसे ही बोलता जाएगा। तो यहाँ से ही आपकी गाइस वो एन्चेंटेड वाटर बकेट की रेसिपी खुलने वाली है। तो इसको चाहिए स्नो शो वाइकिंग मैजिकल वाटर बकेट, ठीक है। तो मैजिकल वाटर बकेट चाहिए, मैजिकल वाटर बकेट आपकी बनती है आइस से बनती है। ओह मेरे को फेरिसोल मिल गई, तो वो बनती है आइस से, ठीक है। और हमारे पास सिल्क टच लगा हुआ नहीं है, हमारी इसके अंदर एफिशिएंसी है बट सिल्क टच नहीं है, तो मैं फटाफट सिल्क टच लगा के फिर ये आइस तोड़ने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ फटाफट करके। तो गाइस फाइनली हमारी सिल्क टच लग चुकी है, तो अब हमें जाना पड़ेगा स्प्रूस वाले जहाँ पे वापस गए थे वहाँ पे, और अपने को कम से कम 1000 ब्लॉक आइस के चाहिए होंगे। और मैं आपको आगे जाके उसकी रेसिपी भी बता दूंगा क्या क्या चाहिए।
तो भाई फटाफट से आइस तोड़ते हैं और मैं आपसे मिलता हूँ फिर, ठीक है? फटाफट मैं आपको ले जाता हूँ वहाँ पे, उसकी कहाँ जगह है एग्जैक्ट। यार ये कुछ ज़्यादा ही, यार आइस का तो बहुत ज़्यादा ही लोचा है। मैं आगे जाके देखता हूँ यार, एक आइस मिलियन बना लूँगा, बिकॉज आगे जाके एक आर्मर भी है, तो वो मैं आर्मर भी इसका कंप्लीट करना है। मैंने मेरे दोस्त से सोचा कि इसका आर्मर बहुत बढ़िया है, तो वो आर्मर में मैं बना लूँगा। तो गाइस फटाफट से आइस तोड़ते हैं और मैं मिलता हूँ जब हमारा लेवल 5 हो जाता है, ठीक है? तब तक के लिए मिलते हैं आगे जाके। A few moments later. तो गाइस फाइनली हमारा 5th लेवल हो चुका है और मेरे को करीबन से मैं बोलूँ तो 30-40 मिनट्स लगी मेरे को ये करने में, एफिशिएंसी 4 के साथ और सिल टच के साथ। तो बट फाइनली हो गया, बट मैंने मेरे दोस्त को बोल दिया यार तू मेरे लिए बना दे, तो वो बनाने वाला है। और ये सारे आइस मैं अभी यहाँ पे रखने वाला हूँ, आगे जाके कुछ काम आ जाएंगे मिनियन या वो बनाना हो तो, या तो फिर मैं इन्हें बेच देता हूँ। मेरा दोस्त बोल रहा है कि इससे पैसे ज़्यादा आते तो बेच रहे हैं, तो मैं लिटरली मेरे को नहीं पता गाइस कि मैं क्या करूँगा, बट देखते हैं मेरा दोस्त क्या बोलता है। अगर पैसे अच्छे खासे इससे मिल जाते हैं तो मैं बेच दूंगा, फिर वापस आगे जाके मैं तोड़ लूँगा, तो मेरे को इतना कुछ नहीं होगा। हाँ लेवल 5 तो आ चुका है, बट जब इसका मिनियन बन जाएगा तो लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, मतलब आई थिंक सो लेवल 600 आराम से हो जाएगा। और मेरे को लिटरली नहीं पता आर्मर बनाने के लिए कितना लेवल चाहिए, तो देखते हैं मैं क्या कर सकता हूँ। स्ट्रिंग मैंने डाल दिया, मैं भाई गैस मैंने पक्का कर दिया मैं इसको बेच रहा हूँ, तो गैस इसको बेचने के बाद ही मैं आपसे मिलता हूँ, ठीक है? तो गैस वो जो आइस है उसको मैंने बिल्डर के पास बेच दिया और वापस से मैं वाइकिंग के घर के पास आ गया हूँ। टेक्नो यहाँ पे मेरी राह दिख रहा था, तो टेक्नो को मैं ट्रेड कर लेता हूँ पहले, तो इससे बोला ट्रेड कर तेरे लिए वाटर बकेट बना दिए। तो सर्वर लैग कर रहा है थोड़ा सा क्योंकि लोग ज़्यादा है खेलने वाले, तो अब ये मेरे को दे देगा। ये रहा गाइस मैजिकल वाटर बकेट, जो मेरे से बंदे सब पूछ रहे थे कि भाई क्राफ्टर SMC में मैजिकल वाटर बकेट कैसे बना दें। तो गाइस ये रही, अब मैं इसके मुंह पे मारने वाला हूँ। ले भाई तू ले ले, तू पी ले भाई मैजिकल वाटर पानी पी ले, तू तेरी दाढ़ी धो ले ना तू। तो गाइस हो गया, अब इसको चाहिए कुक्ड सैल्मन। यार कुक्ड सैल्मन चाहिए, तो गाइस कुक्ड सैल्मन आपको मिलने वाली है आपके, अगर आप ओक फॉरेस्ट के वहाँ से जाते हो, ओक फॉरेस्ट के वहाँ पर राइट हैंड साइड में एक फिशरमैन खड़ा रहता है, फिशरमैन से वहाँ से आप ले सकते हो फिर रॉ सैल्मन, फिर उसको कुक कर लेना, फिर मिल जाएगी। तो गाइस मैं वो वहाँ पे जाके फिर आपसे मिलता हूँ मैं। तो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ फिशरमैन के पास, थोड़ा ये बस ये राइट हैंड साइड में ये जो घर है ये फिशरमैन का घर है, तो यहाँ से हमें चाहिए कुक। अरे यार वो देखो भाई वो खड़ा वहाँ पे फिशरमैन, तो यहाँ से कुछ जाना है ना। हाँ ठीक है, तो इससे फटाफट से मैं सैल्मन ले लेता हूँ और उसको फिर कुक करके ये चाचा वो उसको देना पड़ेगा, तो अब देखते हैं। और मेरे को लिटरली नहीं पता कि वो क्या देता है यार, अगर कुछ अच्छी चीज़ दे तो अच्छी बात है यार। तो मेरे को 8 चाहिए, मतलब उसे 8 चाहिए, तो मुझे 8 यहाँ पे लेनी पड़ेगी। 240 की आई है भाई, तो जल्दी जल्दी फटाफट से आइलैंड पे जाते हैं और इसको कुक करते हैं, और फिर कुक करने के बाद मैं आपको उसके घर के पास मिलता हूँ। तो गाइस कुक्ड सैल्मन में लेके आ चुका हूँ वाइकिंग के घर के पास, तो जो कि वो ये रहा, बाइकिंग को ये देनी है और देख के फिर देखते हैं इसका व्हाट। भाई ये दुखी हो गया क्या? हेलो बाइकिंग भाई, अब भाई इसको क्या चाहिए यूज, वो भाई इसको पोशन चाहिए अब। यार ये क्या बंदा है? तो गाइस मैंने टेक्नो से बात करी, टेक्नो ने बोला रुक जा मैं आ रहा हूँ, बिकॉज ये रेसिपी तुम्हारे को असेशन वुड के पास मिलती है, मतलब ये जो इसको कुशन वाली चाहिए तो असेशन वुड के पास होती है। तो ये रहा हमारा टेक्नो और ये वो कुशन लेके आ रहा है, सॉफ्ट कुशन, तो भाई इसे फटाफट ट्रेड करते हैं। हेलो भाई दे देना। तो गाइस जो ये देने वाला है सॉफ्ट कुशन ये वाला, ये आपको असेशन वुड के पास, मतलब असेशन वुड लेवल 2 या 3 होगा तब ये मिलेगा। तो ये अच्छा है, मेरा दोस्त मेरे साथ खेलता है तो मेरी हेल्प हो जाती है और मुझे मिल जाता है। तो चल ना भाई, ये तो लेफ्ट हो गया, बट कोई बात नहीं मैं मिशन कंप्लीट कर लेते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो भाई फाइनली मिशन कंप्लीट हो चुका है और ये शायद से खुश हो गया है। हाँ देखो यार हैप्पी बाइकिंग आ गया है, फनी राइट? हाँ भाई बहुत ज़्यादा फनी था, इतना फनी कि मैं हंस भी नहीं पाया। ओके भाई तो इसका टास्क कंप्लीट हो गया और साथ ही साथ हमारा वो भी कंप्लीट हो गई है, तो देखते क्या देता। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब भाई, इतनी मेहनत करवाई वो भी रेडर एक्स के लिए, जो कि प्राइस है उसकी 2,50,000। भाई तू पागल है क्या, खिसक गई है क्या तेरी? भाई इतनी मेहनत करवाई बंदे ने और एक्स दे रहा है जो कि कीमत है 2,50,000 की, भाई एटलीस्ट फ्री में दे देता इतनी मेहनत करवाने के लिए। निकल यहाँ से तू, पागल कहेगा
तो गाइस अब चलते हैं फाइनल आइलैंड पे और आपको मैं दिखाता हूँ कि आप आपके दोस्तों के साथ आपके सेम आइलैंड पे कैसे खेल सकते हो। तो वो अभी तक किसी ने नहीं बताया, और मैजिकल वाटर के बारे में भी किसी ने नहीं बताया होगा यहाँ का वो कैसे बनता वगैरह। तो अब मैं पहले तो मैजिकल वाटर टेस्ट करते हैं कि सही में ये अनलिमिटेड सोर्स है कि यूं ही जस्ट बोला गया है। तो चेक करते हैं। तो गाइस ये फाइनल हो गया, ये अनलिमिटेड वाटर सोर्स है, मतलब तुम जितना भी पानी डालो ये ख़त्म नहीं होने वाला। और इसकी रेसिपी गाइस मैं आपको बता दूं, आपको चाहिए 3 आयरन इंगट और 1 ब्लॉक एन्चांटेड स्नो, मतलब आइस का, सॉरी स्नो नहीं आइस का। तो उससे आपकी ये मैजिकल वाटर बकेट बनती है। बट मैजिकल वाटर बकेट तभी बनेगी जब आपका आइस मिनियन, मतलब खुद आपका आइस का जो लेवल होता है वो लेवल 5 का हो, ठीक है। तो गाइस दोस्तों के साथ खेलने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, पहले स्काई ब्लॉक मेन्यू में जाओ, स्काई ब्लॉक मेन्यू में जाने के बाद आपकी खुद की आईडी में जाओ, फिर को ओपी सेटिंग होता है ना, को ओपी सेटिंग, वहाँ पे नहीं जाना है आपको, वहाँ पे मतलब वहाँ पे जाना पड़ेगा, इनवाइट को ओपी मेंबर, मतलब आपका जो दोस्त है जिसके साथ खेलना चाहते हो उसकी आईडी यहाँ पे लिखो। मैं ऐसी रैंडम आईडी लिख रहा हूँ, मेरे दोस्त की आईडी टेक्नो बॉय 4427 ऐसी कुछ है, बट मैं तो स्पेस वेस करके लिख रहा हूँ, असली में ना चली जाए इसके लिए। तो बस आपको ये करना पड़ेगा तो आप आपके दोस्तों के साथ खेल सकोगे। तो आई होप सो गाइस आप लोगों को वीडियो में मजा आएगा, जो मतलब जो भी आपको प्रॉब्लम हो तो मेरे को जस्ट कमेंट कर देना, और अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तब तक के गाइस सी यू, टाटा बाय बाय।